जय हिंद दोस्तों। आज मैं जब ऑफिस आया तो ऑफिस में जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि सर ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जिससे पूछ रहे हैं कि आपके डिफेंस में बच्चों को कपड़े धुल के मिलते हैं क्या, खाना खाने के बाद में उनकी जो थाली है वो आप साफ सब साफ करके ही देते हो। यार छोटी सी बात, मतलब आप नहीं चाहते कि आप बच्चा स्वावलंबी बने, अपना काम खुद करे, ऐसा है ऐसे लोग यहाँ फोन ना करें। क्यों? रीजन इसका बता दूं मैं आपको। यहां से आपका बच्चा जाएगा तो आर्मी का जवान बन के जाएगा, ना कि ऑफिसर। यहाँ ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं होती, यहाँ पे आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ये ट्रेडमैन, इनके लिए जवान बनते हैं। और वहां आर्मी में खुद का काम खुद करना पड़ता है। और नंबर रीजन नंबर दो, अगर मैं यहां से उसे ऐसी सारी सुविधाएं देता हूँ कि उसको थाली भी साफ की हुई मिल रही है, उसके कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, उसको बोतल भी उसके जहां सो रहा है वहां उसके बगल में ले जाके मैं रख रहा हूँ, क्या होगा? आपका बच्चा आलसी टट्टू बनेगा। आलसी टट्टू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से फौजी बन के नहीं जाएगा। अगर बाई चांस वो फौजी नहीं बना तो वो आलसी टट्टू बनेगा घर पे, और आपको परेशान करेगा। मम्मी पानी पकड़ा दे, मम्मी रोटी डाल दे, मम्मी कपड़े धो दे, मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे। और अधिकतर बच्चे तो होंगे भी ऐसे ही। स्वावलंबी, स्वावलंबी बनना सीखो। अरे खुद का काम खुद करो यार, क्यों किसी पे थोपते रहते हो? माँ बाप आ जाए कल नहीं, वाइफ आ जाए कल नहीं, फिर किसे बोलोगे मुझे थाली धो के दो, मुझे कपड़े धो के दो? अरे खुद अपना काम खुद करो। और दोबारा ऐसे अभिभावक, गलती से भी फोन मत कर देना, सीधा गाली दूंगा मुंह पे। कोई सुविधा नहीं है ऐसी, कपड़े धुला दो इनको, थाली मांज के दे दो। आर्मी का जवान बनना है या पे ऑफिसर बनने आए हो? और यहां तक कि आर्मी में तो ऑफिसर भी अपना काम खुद करते हैं। यार हद है यार हर चीज की। अच्छी तो ऑफिसर लाइन में भेजो, ठीक है? ऐसी सुविधाएं चाहिए तो, और शायद ऑफिसरों को भी नहीं होगी ऐसी सुविधाएं तो। हर बात करते हो, कल को आतंकवादी आएगा तो उसको ऑफिसर पकड़ के लाएगा कि लो भाई आया है बच्चा, बहुत ऐसो आराम से रह के आया। अरे घर पे रहो और घर पे ही रनिंग कर लो, अगर तुम्हें चाहिए ना थाली धुली धुलाई, और मम्मा को परेशान करते रहो, थाली भी अपने घर पे धो लो, कपड़े भी अपनी मम्मा धो के देगी आपको, ठीक है? और घर पे तैयारी करो, जाने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे अभिभावक गलती से भी दोबारा फोन ना कर दे कि मेरे बच्चे को थाली धो के दो, मेरे बच्चे को कपड़े धुला के दो। कोई सुविधा नहीं है ऐसी। हाँ खिला पिला सकता हूँ, मटन, चिकन, अंडे, जो भी खाना है सब खिलाता हूँ। फिजिकल की तैयारी करवा रहा हूँ यार यहाँ, ठीक है? कोई 12वीं क्लास के बच्चों का हॉस्टल नहीं खोल रखा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कपड़े धुला के दूँ, थाली धुला के दूँ? हद है यार किसी चीज़ की। मतलब बच्चे पे खुद थोप रहे हो कि बेटा तुझे ये काम करना ही नहीं है, घर पे तैयारी कर लेगा, सुकून रहेगा। यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और गलत फहमी मत रखना और दोबारा कॉल मत करना। अरे हद है यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बच्चे को आर्मी में भेज रहे हो तुम, सारे काम आर्मी में खुद करने पड़ते हैं, पड़ोसी नहीं करता वहां पे काम आके। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई आपसे, मुझे माफ कर दें, ऐसी सुविधाएं मैं नहीं दे सकता जिनमें बच्चों के कपड़े धुल ले जाए, बच्चों की थाली साफ की हुई मिले उन्हें, ठीक है? ये सारा पेमेंट है ना उनके मुंह में डाल दूंगा मैं खाने पीने के लिए। ये नहीं पूछते सर बच्चे को खाने में क्या मिलता है, सर स्पेशल डाइट क्या है। अरे ये पूछो ना पूछने वाली चीजें, बच्चे की क्लास कब लगती है ये पूछो, सर बच्चे में कोई कमी तो नहीं है ये पूछो। हद है, सर थाली धो के देते हो, सर कपड़े धो के देते हो? अरे अपना काम खुद करो, स्वावलंबी बनो जिंदगी में। और जो भाई मेरे जो घर पे अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने घर वालों को परेशान करते हैं ना, कपड़े धो के दो मुझे, थाली धो के दो मुझे, एक दिन करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना परेशान रहती है घर पे तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे भाभी जो भी हैं घर पे तुम्हारे काम करते हैं, वो कितने परेशान रहते हैं। एक बार, एक दिन के लिए करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है? बस इतना ही कहना था मुझे। और जय हिंद, जय भारत।